एक बार ना मैं ट्रैवल कर करके थक गया था. आप देखो मेरा ना बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास बहुत ज़्यादा. पीछे मैं शो कर रहा हूँ वहाँ पे बंदा गिन रहा है पैसे बहुत ज़्यादा. हाँ तो एक बार मैं शो कर रहा था, ट्रैवल कर करके थक गया था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला ट्रैवल कर करके थक गया हूँ, तो कहती चलो कहीं घूमने चलते हैं. आइंस्टाइन वाली बातें कहाँ से सीखी तूने बेबी, है मतलब रिस्पेक्ट है तेरे लिए ना. खैर तो अब बंदी ने बोला तो आप जाओगे, तुम्हारा बाप भी जाएगा आंट ना. तो मैंने कहा चल बाहर नहीं जाते, इंडिया में कहीं घूम ले, तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमने कहा लेंस डाउन है उत्तराखंड में वहाँ चले जाते हैं. तो उल्टी उल्टी करके पहुँचते हो आप लेंस डाउन. इसमें हंसने वाली बात नहीं है, फैक्ट है भाई, मैं बता रहा हूँ कसम. जो समतल एरिया में रहते हैं ना, हम जैसे लोग समतल एरिया में, उन लोगों का क्या, जैसे जो लोग मनाली जाते हैं ना, मनाली जा रहे चंडीगढ़ तक, तो चेन अलाइफ सीधी रोड है ना, तो चंडीगढ़ के बाद सड़क घूमने लग जाती है और हमारी गांड ऐसे ऐसे फटने लग जाती है. तो जाते भी हैं जो वॉल्वो में, जिसमें यहाँ पे ना शीशे खुलते नहीं है, तो जिस चीज को पहले खिला दे होते ना, मैं बच्चा खा ले, मैं बच्चा खा ले, फिर उसी में ए, 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 ए। तो हम उल्टी उल्टी करके पहुंचे. तो होता क्या है इस पर्सनैलिटी के साथ ना, सामने वाला जब बंदी होना ही पहले तो बंदे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों. मैं कहा शिकल पे खेल ही नहीं रहे हम, अपनी बकचोदी पे खेल. तो जो मेरा होटल का मैनेजर था वो मुझे ऐसे क्वेश्चन करता है, कहाँ से, कितना है, कैसे. मैंने कहा पहली बात ऐसा कोई सीन था नहीं, लेकिन चलो 1% मान भी लेते हैं ऐसा सीन था, ठीक है मान लिया, ये सब हमने करा है कुछ तो गद्दाफी थोड़ी है कि इस पहाड़ी की इस चोटी के इस कमरे के इस रिजॉर्ट में ही करना था भाई साहब, इसलिए गुप्ता जी उल्टी करके पहुंचे हैं. दिल्ली में कर लेते भाई, आधे घंटे का काम ही तो है. कहता हम अनमैरिड लोगों को रूम नहीं देते. मैंने कहा तुझे कैसे पता हम अनमैरिड. कहता है धूप में बाल सफेद नहीं किए. मैंने कहा तेरे काले हैं भूतनी के, तू तो चुप ही हो जा. तो जैसे ही हम रूम में पहुंचे, रूम में पहुंचे, फर्स्ट थिंग व्हाट अ गर्ल डज इज, हाँ वही ब्रा ओपन कर दी. फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट. दूसरा फेस वॉश. और लड़कों के लिए फेस वॉश मींस, लड़कियों के लिए फेस वॉश ऐसा नहीं भाई, बकायदा एल्गोरिथम है, क्रीमें आती है क्रीमें. मतलब एक बार तो मैं हैंडपंप से पानी भर के रॉड से गर्म करके नहा लिया, इसका फेस वॉश खत्म नहीं हुआ भाई. मैं कहा बहन ऐसा क्या हो गया. मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे घर है ये दरवाजा है ये बाहर है, और लड़की ने अगर एक पाँव बाहर रख दिया और वापस आ गई तो फेस वॉश होगा. तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा बेटा उसको फेस वॉश करने से. तो फिर रात को हम खाना खाने गए, और रिजॉर्ट में आप क्या खाते हो, दाल मखनी पनीर पसंद था, बटर नान बटर चिकन, और ये सब खाओगे हाथ तो गंदे होंगे, और टिश्यू थे नहीं, मैं एकदम ऐसे करता था. उसने बोला नहीं, बट शी वॉन्टेड टू से, कितना गवार आदमी है तू, खाने का तरीका भी नहीं है तेरे. मैंने कहा अभी तूने मुझे कोई कुरे और फनफ्लिक्स खाते हुए तो देखा ही नहीं, वरना बावली हो जाएगी, बावली दिमाग घूम जाएगा तेरा. So the reason why we have gone there, I was not able to achieve that, right? Time लग रहा है सर आपको, time लग रहा है. तो सुबह उठे अब वो गर्म पानी पीने लग गई. मैंने कहा अच्छा है पियो पियो, प्रेशर सही बनता है. कहते छी ऐसे कौन बोलता है, ये तो मैं इसलिए पी रही हूँ मेरी स्किन सही रहे. मैंने कहा बेबी देख, रीजन तुझे कुछ भी दिया गया हो प्रेशर ही सही बनता है. और अभी वो फ्रेशन अप हो गया, ये नहीं है, क्रीम लगा रही है. मैंने कहा क्यों, कहते जस्ट इन केस मेरी स्किन. मैंने कहा बहन जो हम शेविंग के बाद फिट कर ही नहीं लगाते लौंडे, तो क्रीम लगा दी है. तो हम घूमने गए, और जो लोग लेंस डाउन गए होंगे उन्हें पता है वहाँ पे घूमने को कुछ नहीं है. तो आधे घंटे में आ गए. तो अब मैंने कहा देखो, मैंने रियलाइज किया रिलेशनशिप में आके कि कभी भी तुम ना अपने फियांसे पार्टनर स्पाउस के साथ खाली मत बैठना. खाली बैठोगे तो भाई जूते चप्पले चलाओगे, कुछ भी कर लो, घास काट लो, तारे गिन लो, बहन चो चदरे साफ कर लो, कुछ भी, खाली नहीं बैठना, वरना आधे घंटे में घुसंडी मार दोगे. कितने
इतना घनिष्ठ प्रेम हो, हनीमून पे गए हो, आधे घंटे के अंदर चप्पलें ना चले नाम बदल देना भाई मेरा। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, वरना ये चप्पलें चलेंगी, आज ही हनीमून हमारा जो चल रहा है वो खत्म होना है अभी आधे घंटे में। तो वहां पे कैरम था, मैंने कहा चलो कैरम खेल लेते हैं, जो कुछ भी चुतियाब कर लो, बिजी रखना है दोनों को, टीम बिल्डिंग करनी है हमें। और मैनेजर इतना हराम ज्यादा, साले ने क्वीन ही नहीं दी। मैंने कहा साले क्वीन तो दे दे, कहता है अब क्यों गद्दाफी बन रहा है, खैर ना उसके साथ खेल ले। अबे लूडो लिटरली नहीं लेना था। तो रूम में आ गए हम, और रूम में आके लड़कों का सेट रहता है, बैंड पे आते हैं, टी शर्ट उतारे थे, सामने अटैची पड़ी होती, जॉन्टेड डॉट सबके अंदर आई। फिर जडेजा और बनते हैं। But with a girl, you have to be sophisticated. You can't do shit like this, no. बंदी के साथ सबसे पहले जूते उतार के कोने में रखो, और टी शर्ट उतार के हैंगर में डालो। मैं सोचा हैंगर भेंचो, इसका माता था ये। मुझे लगा जंग ना लग जाए, कुछ चुतियाब किया हुआ इन लोगों ने। गुप्ता जी।